वेलकम टू माय चैनल शशि जैन। कैसे हैं फ्रेंड्स? तो आज हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, ये घर में जो ये आपने देखा है ये एलोवेरा, ये सभी जानते हैं, तो इसका आज हम जेल बनाना सिखाएंगे। वैसे तो इसका जूस वगैरह आता है मार्केट में और जेल वगैरह भी मिलता है, तो आज हम ओरिजिनल हम इसका जूस घर में जेल घर में बनाना सिखाएंगे। ये एलोवेरा बहुत गुणकारी होता है, इसमें कैल्शियम, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और क्योंकि ये कई बीमारियों में भी ये काम आता है। इसके ये सब्जियों में, किचन में भी कई जगह कई तरह से इसको यूज में लेते हैं, इसकी सब्जी भी बनाते हैं लोग, इसके लड्डू भी बनते हैं। ये हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है। इसके हम एक लेयर अगर हटा के तो फिर अगर इसको घुटनों पर भी लगाएं तो ये उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा, घुटनों में दर्द जिनका होता है तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। तो इस तरह से ये मल्टीपर्पज औषधि के रूप में हमारे काम आती है। तो आज हम इसका जेल बनाना सिखाएंगे आपको, जो बहुत ही इजी है लेकिन बहुत ही गुणकारी है, और बालों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है, स्किन पर भी ये काम करता है। उस जेल को हम दोनों तरह से काम ले सकते हैं, या तो हम ना अगर डैंड्रफ ज़्यादा हो रहा है या बाल बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं तो इसको रूट्स में बहुत अच्छी तरह से लगा सकते हैं, उसमें नींबू वगैरह डाल के, और स्किन पर हम डेली अप्लाई कर सकते हैं, तो स्किन के लिए भी बहुत ग्लो करने के में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है ये। तो इस तरह से एलोवेरा बहुत तरह से काम आता है, कुछ लोग इसको बाल पाठे के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताएंगे कि इसका हम जेल कैसे बनाएंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि जिससे नए नए वीडियो आप तक हमारे पहुंच सके। सबसे पहले हम इसको इस तरह से छिलेंगे, इसकी दोनों साइड जो कांटे लगे हुए हैं, दोनों साइड जो कांटे लगे हुए हैं वो उसको हम हटा लेंगे। इस तरह से दोनों साइड के इसके कांटे निकाल लिए, फिर इसके हम बीच में से पीस कर लेंगे इस तरह से। फिर इसके ये जो इसका छिलका है इसको इस तरह से बहुत इजीली ये निकल जाता है, ये देखिए छिलका इसका हट गया। अब ये जेली इसकी इसमें रह गई है, इसकी एक लेयर हमने निकाल ली है। इसी तरह से चाकू से हम इसकी दूसरी लेयर भी निकालेंगे। तो अब आप देखिए ये बिल्कुल जेली रह जाती है और ये छिलका हट जाएगा। ये देखिए इस तरह से इसकी जेली, दोनों साइड से छिलका हटाने के बाद, दोनों साइड से छिलका हटाने पर इस तरह से इसकी जेली निकल के आ जाती है। अब हम इसको ग्राइंडर में डालेंगे, इस तरह से हम इसको पूरा निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, हमने इसको अभी ग्राइंड किया है तो ये इस तरह से इसके तैयार हो गया। अब हम इसको बॉईल करेंगे। इस तरह से एक बर्तन में डाला, और इसको चलाएंगे। तो हम कम से कम 15 से 20 मिनट हमें लग जाएंगे। जब ये अच्छी तरह बॉईल होने होगा तो इसके धीरे धीरे इसकी चिकनाहट खत्म होती चली जाएगी। और इसको हम 15 से 20 मिनट तक इसको अच्छी तरह से बॉईल करेंगे, जब तक इसकी पूरी चिकनाहट खत्म ना हो जाए। ये अगर आपके बाल डैंड्रफ है या बहुत बहुत दिनों से डैंड्रफ है जो नहीं जा रहा है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करेगा। उसमें आप थोड़ा सा नींबू डालें और इसको बालों में लगाएं, फिर आप देखना एक बार लगाने में ही आपका आधा डंडर चला जाएगा। देखिए इस तरह से जैसे जैसे ये गर्म होगा, बॉयल होने इसमें बॉयल होता रहेगा, उसी तरह से इसके झाग कम होते चले जाएंगे और इस तरह से बिल्कुल एक जेल का रूप ले लेगा ये। फ्रेंड्स, आपको हमारे वीडियो कैसे लगे प्लीज रिव्यू देके जरूर बताएं। देखिए फ्रेंड्स, ये गैस हमारी फुल पे है तो इस तरह से ये निकलने को हो रहा है, तो हम गैस सिम कर दें। इस तरह से देखो ये पतला होता जा रहा है, ये देखिए। अब जैसे जैसे ये बॉयल होता जाएगा इसकी झाग खत्म होते जाएंगे।
गैस बिल्कुल हमने स्लो कर दी है ताकि ये बाहर ना निकले। और अब देखिए इसके झाग अपने आप कम हो गए। ये देखिए बीच बीच में थोड़ा सा आप गैस को तेज भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपको लगे कि ये झाग ऊपर आ रहे हैं या बाहर निकलने को हो रहे हैं तो वापस गैस सिम कर सकते हैं। इस तरह से इसको तब तक हम उबालते रहेंगे जब तक इसके झाग पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए और ये पूरा जेल का रूप ले लेगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारी ऑलमोस्ट ये तैयार होने वाली है। इसको उबलने में कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। अब इसके झाग खत्म होने जा रहे हैं। और ये देखिए नीचे से जेल दिखने लगी। अब इस तरह से इसके चिकनार इसमें से खत्म हो गई। ये देखिए इस तरह से ये हमारी जेल तैयार हो गई। अब इसको ठंडा होने के बाद हम किसी भी डब्बे में इसको भर के रख सकते हैं। जब हमें यूज़ लेनी हो तब इसको थोड़ा थोड़ा निकाल के हम यूज़ ले सकते हैं। इसको आप बालों में भी लगाएं, डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और स्किन पे भी हम कॉटन से इसको लगा सकते हैं। इसको फेस पैक की तरह भी हम इसको फेस पर लगा सकते हैं। ये फेस पे ग्लो का भी काम करता है। तो इस तरह से हमारी ये अपने आप इस तरह से झाग खत्म होते जाएंगे और इस तरह से ये हमारी जेल ऑलमोस्ट तैयार है। थैंक यू। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ रिव्यू ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। ओके।